जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। बाबा होते तो बात कुछ और थी, शायद मैं शादी कर भी लेती। मेरी शादी के बाद ये घर कैसे चलेगा? अब तो मेरा मुकाबला करोगी? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है? तुम तो जवान जहां लड़की हो। देखें खाला, मेरी अम्मी को पता है कि मैं कहां जा रही हूँ, और अगर आपको मेरे बारे में जानने का बहुत शौक है तो जाके पूछ लें अम्मी से, और आइंदा से मेरा रास्ता ना रोकिएगा। वैसे आपकी वजह से इतना ज्यादा टाइम हो गया है मुझे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो टीना से पूछ लें। हाँ मुझे पूछना है। पहले अम्मी ये कहने लग गई कि उनकी बेटी घर को गौर गौर से देख रही है, अब तुम कह रही हो कि वो तुम्हें गौर से देख रहे थे। अभी तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा ना हरकतों से, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब पूछूंगी। कभी भी दरिया की गहराई का अंदाजा किनारे पर बैठकर नहीं लगाया जाता। अच्छा तुम नाराज तो मत हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगे लड़के वाले? ये मैं थोड़ी बताऊंगी, ये तो वो लोग बताएंगे ना कि उन्हें मैं कैसी लगी। मेरा रंग गंदमी है या सांवला, मेरा कद लंबा है या छोटा, मेरी आवाज मोटी है या पतली, ये सब कुछ वो ही बताएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इसीलिए ना मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी शादी हो, लेकिन हमारी अम्मी ने ना एक जिद पकड़ ली, और जब तक वो अपनी जिद पूरी नहीं करेंगी उनकी तो बात माननी पड़ेगी। चुपकी, आके बर्तन उठा लो। फड़ी, जाके तुम उठा लो ना। नहीं चुपकी, मैं नहीं जा सकती, अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि उनके सामने नहीं आना। नीना तुम चली जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगी दोबारा, तुम्हें आवाज दी है ना मीने, तो प्लीज अब तुम ही जाओ। अच्छा भाई, मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा। हाँ। असल हीरा तो इन्होंने छुपा के रखा था। क्या कह रही हो निको? सही तो कह रही हूँ, गौर से नहीं देखा तुमने। हाँ खूबसूरत तो है और मुझे कम उम्र भी लगी है। अब देखा ना तुमने मेरी नजर से, बस अब यही मेरी भाभी बनेगी। अच्छा तो फिर मैं इजाजत चाहूंगी, और सलमा तुम भी हमारे साथ चलो। बहन अगर आप जवाब दे देती तो अच्छा होता। परवीन बिल्कुल ठीक कह रही है, असल में हमें आपकी छोटी बेटी चुपकी बहुत पसंद आई। जी ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन फरहत मैंने तुम्हें बताया तो था कि परवीन को अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो उसी को अपनी बहू बनाऊंगी ना जो मुझे पसंद आएगी। ठीक है फिर आप लोग सोच कर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में घर जाऊंगी। ठीक है, इजाजत दे दी। परेशान मत हो परवीन, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम मीना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। पता नहीं मेरी मीना की किस्मत में क्या लिखा। अच्छी भली है, खूबसूरत है, कमाती है,
फिर भी लोग आते हैं उसे रिजेक्ट करके चले जाते। देखो परवीन, मैं तो तुम्हें अभी यही कहूंगी, अगर उन्होंने चुपकी को पसंद कर लिया तुम चुपकी के लिए हाँ कर दो और नीलम और चुपकी की शादी की तैयारी शुरू करो। अरे बहन, अभी उन लोगों को ये नहीं पता कि चुपकी तोतली है, जब उन्हें सच्चाई पता लग जाएगी तो वो मना कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने चुपकी को पसंद कर लिया तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी तरफ से हाँ ही समझो, लेकिन देखो उनको सच सच बता देना कि चुपकी तोतली है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है, मुझे इजाजत। ठीक है बहन, अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ मम्मी? अम्मा क्या हुआ, उन्हें पसंद आए? मीना क्या हुआ अम्मा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मी आपकी इस खामोशी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि उन लोगों ने, हाँ हाँ, उन्हें मीना नहीं चुपकी पसंद आ गई है। क्या, ये क्या कह रही हो तुम अम्मा? मी आपने क्या किया? जब आपने मुझे मना किया था कि मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊं, तो फिर आपने बर्तन उठाने के लिए क्यों बुलाया चुपकी को? आपको मीना को बुलाना चाहिए था ना। ये आपने क्या किया अम्मी? अरे जिस तरह ये उठ के गई थी ना, मुझे पता था मेरे दोबारा बुलाने पे ये नहीं आएगी, इसीलिए मैंने चुपकी को आवाज दे दी। अरे मैंने तो दोनों को खुद ही मना किया था, और ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गई? अम्मी आप उदास क्यों हो रही? हम में से किसी एक बहन को तो पसंद किया ना उन्होंने, वैसे भी नीलम के बाद अब चुपकी की बारी थी। नीलम का रिश्ता आ गया है, चुपकी का भी रिश्ता पक्का हो जाएगा। बस तो फिर ठीक है ना, अब दोनों के हाथ पीले करने की तैयारी करें। और मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, फिलहाल मेरी शादी का ख्याल अब अपने दिल से निकाल दें। अब देखें ना, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो जाती है। मैं ना आप लोगों को परेशान नहीं देख सकती। खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, तो हमें दरवाजे खोल देने चाहिए। अल्लाह पाक की नेमत की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। अम्मी मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ सलमा बहन भी यही कह रही थी कि जिस बेटी का रिश्ता पहले आए उसी की शादी कर दो। लेकिन मैं मना कर रही हूँ अम्मा, जब तक मीना की शादी नहीं होगी ना, किसी की भी शादी नहीं होगी। मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर। तुझे रिश्ता मंजूर ना हो तो ना सही, मैंने रिश्ता मंजूर कर लिया है, समझ गई तू? बड़ी आई ना मंजूर है मेरे दिमाग के। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं परेशान हुई नहीं, ऊपर से जिसको देखो अपनी मर्जी, एक वो नीलम है, एक ये इसे देखो, ये भी चली। अब मैं बात करती हूँ, मैं देखकर आती हूँ उसे। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा तो। अम्मी फरहत आंटी को मीना पसंद आ गई? नहीं बेटा, उन्हें तो चुपकी पसंद आ गई।
तुम्हें क्या हुआ, खाना तो खा लो। अम्मी अब तो निवाला अलग से नहीं उतरेगा। क्यों भाई, आप भूल गई हैं क्या? परवीन खाला ने कहा था कि मेरी और नीलम की मंगनी तभी करेंगी जब मीना का रिश्ता हो जाए। हाँ हाँ मुझे याद है, इसीलिए मैंने परवीन को समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर उन्हें चुपकी पसंद आ गई तो तुम चुपकी के लिए हाँ कर दो। ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन एक बात का मुझे डर है। किस बात का भाई? अगर फरद को पता चला कि चुपकी तोती लिए तो वो कहीं रिश्ते से इनकार ना कर दे। अरे तुम फिक्र ना करो, परवीन की किसी बेटी की मंगनी हो या ना हो, तुम्हारी और नीलम की जरूर होगी। आप परवीन खाला को मना लेंगी ना? पर अगर मीना और चुपकी का रिश्ता नहीं हुआ तो? अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, माँ अपने बच्चों की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती है। अब जो होगा कल ही होगा, सुकून से खाना खाओ। जवाब साहब, अल्लाह हाफिज। अरे यहाँ क्यों बैठी हो? आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं आप जाएं। देखिए मैं अब आपके लिए अजनबी नहीं हूँ और ना ही आप मेरे लिए। लेकिन आप मेरे लिए अभी भी अजनबी हैं। ऐसे कैसे, अब हम साथ काम कर रहे हैं, रोज मिलना होगा हमारा। हाँ लेकिन सिर्फ काम की हद तक। आपको नहीं लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लगेगा? हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा तो। लेकिन मेरी अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी अजनबी लड़के के साथ घर आऊँ। लगता है काफ़ी डरती हो अपनी अम्मा से। हाँ डरना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई लड़की अपने घर से बाहर निकलती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके घर वालों की। और मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरी अम्मी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। शहजाद भाई, शहर के हालात खराब हो गए हैं, जल्दी चलें आप भी घर जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। देखा अब लगता है आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखें चलें, शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, प्लीज। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी तुमने। हाँ अम्मी, आज शूटिंग बहुत देर तक चलती रही, अभी भी काफी लोग सेट पर ही हैं। वो तो शुक्र है कि मेरे सीन जल्दी हो गए थे। अच्छा ये बताएं, आज मीना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे ना? हाँ आए थे। अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? वही हुआ, मीना के बजाय
चुपकी को पसंद करके चले गए। मुझे पता है ये मीना उनके सामने जरूर चुटिया बांध कर ही गई होगी। गई तो ऐसे ही थी। देखो नीलम, ये साथी मेरा अंदाज ही नहीं बल्कि मेरा जेवर है, और ये मेकअप करना ये मेरे मिजाज में ही नहीं है। मैं इन बेमानी चीजों को खुद पर लगाकर अपनी रूह को सादगी से जुदा नहीं करना चाहती, और ना ही अपनी सादगी की खूबसूरती को खोना चाहती हूँ। मैं एक आम सी सादा सी लड़की हूँ जिसे आटे और दाल के भाव का अंदाजा रखना पड़ता है, और ये कैसे रखा जाता है ये तो मुझसे पूछो। या तो अम्मी से पूछो। मीना, मेरा बच्चा, सादगी तुम्हारी खामी नहीं है, तुम्हारी खूबी है जो उन लोगों को नजर नहीं आती। यकीन करो, अगर चुपकी की जगह नीलम या फरी होती ना, मैं उसी वक्त मना कर देती। लेकिन तुम तो जानती हो, चुपकी की शादी का भी मसला है, उसका रिश्ता होना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सलमा के समझाने पे हाँ कर दी। जी मीना ठीक कह रही है, लेकिन हमें माशरे के साथ चलना पड़ता है ना। खुशी की बात तो ये है ना कि उन्होंने चुपकी को पसंद कर लिया है। हमारी चुपकी बड़ी हो रही है ना। लो बेटा चाय ले लो। थैंक यू अम्मी। थैंक यू तो ऐसे कहते हो जैसे मैं तुम्हारी मां नहीं कोई रिश्तेदार हूं। अम्मी सर में दर्द हो रहा था और आज काम भी ज्यादा है, और तो और स्कूल भी जल्दी जाना। नहीं, बुखार तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, बुखार नहीं है, वो बस काम का बर्डन कुछ ज्यादा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गोली लाती हूँ। ये लो बेटा दवाई खा लो। अरे अम्मी आपने बिला वजह ज़हमत की है, चाय पी के ठीक हो जाता। अरे तुमने चाय के साथ ही खा ली गोली? अरे आपकी बात मानना भी तो जरूरी थी। अब आप खुद बताइए, अगर मैं चाय के साथ पानी पीता तो मेरा सर गर्म नहीं हो जाता? हाँ ये भी है। अच्छा तुम कह रहे थे तुम्हें जल्दी जाना है? जी अम्मी, स्कूल में आज मेरे इंस्पेक्शन है, चंद लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे फरहत के घर छोड़ते हुए जाओ। ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बस ये काम खत्म कर लो। ठीक है, तुम काम कर लो, मैं तैयार होकर आती। ठीक है। कहाँ रह गई? क्लास मिस हो जाएगी। हेलो। हाँ सारा, कैसी हो? कहाँ रह गई हूँ मैं, बहुत बोर हो रही हूँ। अगर तुम नहीं आ रही थी तो मुझे इन्फॉर्म ही कर लेती, मैं भी ना आती। यार अम्मी ने मना कर दिया था,
और अगर शायद वो मना नहीं भी करती ना, तब भी मैं आज नहीं आती यूनिवर्सिटी। क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? चिपकी की तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हें तो पता है नीलम घर का कोई काम नहीं करती। मीना सुबह से फैक्ट्री गई हुई है, और अम्मी के पास सिलाई का इतना काम आया है। ऊपर से ये रिश्ते वालों की अलग टेंशन। अरे हाँ, कल तुम्हारी बहन को लड़के वाले देखने आए थे, क्या हुआ, रिश्ता पक्का हो गया? कहाँ पक्का हुआ रिश्ता, बल्कि उन लोगों को तो मीना के बजाय चिपकी पसंद आ गई। लेकिन ये तो और भी अच्छी बात है ना? क्या मतलब? अरे तुम्हारी बहन का लिपसिंग प्रॉब्लम है ना, तो अगर उसका रिश्ता हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसकी शादी एक मसला बन जाती। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन का रिश्ता होते होते रह गया। हाँ लेकिन सारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चलो, मैं भी क्लास में जा रही हूँ। ओके बाय। चिपकी, क्यों बंद किया तुमने फोन? बोलने देती ना उसको। उसकी बात इतनी अहम नहीं थी, इसलिए फोन बंद कर दिया। उसकी बात ना तुम्हारे लिए अहम नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए थी। जबकि तुम फजूल में उसकी बात को इतना सीरियसली ले रही हो। वो ठीक कह रही थी, मीना का रिश्ता मेरी वजह से टूटा, अम्मा के लिए मैं एक बहुत बड़ा मसला हूं। मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती, मुझे मर जाना चाहिए। चुपके कैसी बातें कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई? तुम अंदर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता। मुझे कुछ नहीं खाना। क्या हो गया इसे? मेरी गलती है, मुझे स्पीकर ऑन करके बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाती हूँ, ठीक हो जाएगी। नगो, डाइजेस्ट को छोड़ो और अम्मी के साथ जाके हेल्प कराओ। मेरे प्यारे भैया, इतना ही ख्याल है आपको अम्मी का, तो उस लड़की के लिए राजी क्यों नहीं हो जाते जिसे अम्मी ने आपके लिए पसंद किया है? वैसे नगो, बड़ी अजीब बात है, अम्मी ने जिस लड़की को पसंद किया उसका नाम चिपकी है। वैसे एक बात बताओ, मुझे चिपकी पसंद बहुत आई है, मुझे तो लगता है अपने नाम की तरह छुपी होती होगी। जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। भाई आप जाए ना, ये तो आपका काम है। अच्छा तुम जाके किचन तो देख लो, थक गई हूँ सुबह से काम कर करके मैं। अच्छा जाती हूँ अम्मी। अच्छा मैं भी। अच्छा बैठ जाओ बस, मैं देख लूंगी। तुम चुपकी दरवाजा खोलो, बात सुनो हमारी। चुपकी बात सुन तो लो, दो मिनट बाहर तो आओ, दरवाजा खोलो। मैं यही खोलूंगी दरवाजा, मर जा रहे तो मुझे। खोलो दरवाजा, खोलो, मुझे मर जा रहे तो मुझे नहीं करनी शादी वहां पे। चुपकी मेरी प्यारी बहन, बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो ना। अरे चुपकी, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दे, मैं नहीं करूंगी तेरी शादी वहां पर। नहीं अम्मा, मुझे पता है मैं तुम लोगों पे बोझ, मुझे कोई शादी नहीं करेगा। चुपकी प्लीज बाहर आ जाओ। क्या हुआ सलमा बहन? अरे बहन ये देखो, चुपकी ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है, ये खुदकुशी कर रही है। क्या क्या कह रही हो चुपकी? क्या हो गया बेटा, दरवाजा खोलो। काला तुम क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम ये बताओ, ये करने क्या जा रही हो, क्या हो गया तुम्हें? मुझे शादी नहीं करनी। नहीं करनी तो मत करो, खुदकुशी क्यों कर रही हो? लड़के ने मीना के लिए हाँ कर दी है, वो उसी से शादी करेगा। क्या? हाँ
हाँ बेटा, वो मीना से शादी करेगा। जबकि I'm sorry. चुप हो जाओ बस। सलमा बहन, सच कह रही हूँ। मैं भी उनके घर से ही आ रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। सलमा बहन बैठो। खाला आज तो मैं आपको खुद चाय बना के पिलाऊंगी, सही है? मैं लाती हूँ। अच्छा सलमा बहन, ये सब हुआ कैसे? सब बताती हूँ। हाँ बैठो ना। जब मैं फरहत के घर गई थी, रे बहन, जब मैं उसके घर ही, वहां तो सारा मामला ही उल्टा था। ऐसन तो मीना को पसंद करता था। निगो बेटा जाओ चाय बनाओ। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं पीकर आई हूँ। हाँ, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। एहसन बेटा तुम भी बैठ जाओ। सब खैरियत तो है सलमा? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस मुझे ये कहना था कि तुम्हें चुपकी पसंद है। एहसन बेटा क्या तुम्हें भी चुपकी पसंद है? हाला मुझे मीना पसंद है और अम्मी को मीना की छोटी बहन पसंद आई है। अब तो शादी का ही खाना खाएंगे। परवीन तुम नीलम और मीना दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। क्या क्या कहा आपने? एक तो फरत, मेरी समझ नहीं आ रहा तुम्हें मीना में क्या बुराई नजर आई है। अच्छी खासी सुलझी हुई लड़की है, और फिर एहसन और मीना का जोड़ भी तो कितना अच्छा लग रहा है। सलमा, असल में मीना जॉब करती है और मैं चाहती हूँ मेरे घर में जो बहू आए वो मेरे घर को संभाले, और मुझे चुपके में सारी सलाहियत नजर आती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मीना में घरदारी के तमाम गुण है। उसे खाना बनाने से लेकर सिलाई कढ़ाई सब आता है। लेकिन खैर, तुम्हें तो चुपकी पसंद है, तो इसीलिए तुम्हें ये बताना जरूरी है कि चुपकी की जबान में थोड़ी सी तोतलाहट है। क्या? हाँ, रिश्ते से पहले तुम्हें ये बात बताना जरूरी था। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं मीना को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी, क्योंकि मेरे एहसन को तो वैसे भी मीना ही पसंद है। एहसन, ये सच है? जी खाला, अम्मी ठीक कह रही है, मुझे मीना ही पसंद है। अरे बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खाला, अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि अम्मी से ऐसी कोई बात करूं जिससे अम्मी को तकलीफ पहुंचे। खुश रहो एहसन, मैं अभी जाकर परवीन को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाके उन लोगों को बता दो, और उनसे ये भी कहना कि वो जब बोलेंगे हम रस्म के लिए आ जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मुंह मीठा करके जाना, जाओ मिठाई लेकर आओ फटाफट। ये ले खाला आपकी चाय। अरे भाई, मैं चाय के साथ मिठाई भी खाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर। ठीक है खाला, आज आपके लिए खीर ना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। नीलम सिर्फ खीर नहीं, खाला आज रात का खाना भी नीलम ही बनाकर भेजेगी आपको, आप खाना नहीं बनाइएगा। बस बस, अब इतनी भी नहीं हो रही है, मुझे नहीं आता कोई खाना वाना बनाना। अरे भाई, अब तो शादी का ही खाना खाएंगे। परवीन तुम नीलम और मीना दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। क्या क्या कहा आपने? मेरी शादी की तैयारी? हाँ भाई, तुम्हारी शादी मेरे सलमान के साथ। क्यों परवीन, तुमने इसे बताया नहीं? तुमने इसका रिश्ता तय कर दिया सलमान के साथ? लगता है शर्मा गई। वो बहन, असल में मीना का मसला चल रहा था घर में, इसलिए फिलहाल मैंने इसको नहीं बताया था।
मगर तुम फिक्र मत करो, तुम बस मंगने की तैयारी शुरू करो। दो दो शादियां तुम्हारे घर अब तो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम चाय पी रहे हो? खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए आए बैठे। अम्मी क्या जवाब दिया एहसन और आंटी ने? अरे बेटा एहसन को तो मीना पसंद आ गई थी, मगर फरद का दिल चुपकी पर अटका हुआ था। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि चुपकी तो तोतली है, तो वो फौरन मीना को अपनी बहू बनाने पर राजी हो गई। चलें ये तो अच्छी बात है। वैसे ये खुशखबरी आपने परवीन खाला को दी? आज तो अल्लाह ने मुझे फरिश्ता बनाकर परवीन के घर भेज दिया, वो भी खुशखबरी के साथ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो चुपकी पंखे पर लटकने जा रही थी। वो मतलब खुदकुशी कर रही थी? हाँ। पर क्यों? वो एहसन से शादी नहीं करना चाहती थी, और जब मैंने जाकर उसे बताया कि एहसन तो मीना से शादी करने के लिए राजी है, तो वो बाज आई और उसने दरवाजा खोला। शुक्र है एक मसला तो हल हुआ। अब मेरी और नीलम की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या सोच रही हैं मियाँ? बेटा मुझे लगता है कि नीलम इस रिश्ते से खुश नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता? परवीन ने अब तक उसे बताया भी नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगा है। अम्मी परवीन आंटी एक समझदार खातून है, यकीनन उन्होंने मीना की वजह से नीलम को नहीं बताया होगा। तुम ठीक कह रहे हो, परवीन ने मुझे भी यही वजह बताई है। अब तो नीलम को पता चल गया ना? पता तो चल गया, लेकिन वो खुश होने के बजाय खामोशी से वहां से चली गई। मेरी प्यारी अम्मी, सियाने कहते हैं कि जब लड़की खामोश हो जाए तो इसका मतलब हाँ ही होता। इसका मतलब तुम भी सियाने हो गए हो। पर मैं तो खामोश नहीं। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। अम्मी ये क्या किया आपने, मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या किया है? रिश्ता ही तय किया है ना, सलमान बहुत पसंद करता है तुझे। सलमा बहन उसी के कहने पे ही रिश्ता लेकर आई है। वो मुझे पसंद करता है, आपने इसलिए हाँ कर दी। मुझसे पूछा कि मैं उसे पसंद करती भी हूँ या नहीं। बेशरम, अरे बेहया तुझे शर्म नहीं आती माँ के सामने जो मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही है? अब तो खुद पसंद करेगी अपने लिए लड़का। जी अम्मी मैं अपनी पसंद और अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। देख नीलम चली जा मेरे सामने से, दफा हो जा वरना बहुत पिटेगी तू। जो मुंह में आता है उल्फुल भगती रहती है। हाय मेरे खुदा, एक लड़की का मसला खत्म होता है तो दूसरी का शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, किसका मसला खत्म हो गया, किसका मसला शुरू हो गया, क्या हुआ है? अरे मीना आज तो इस घर में एक हंगामा बरपा था। क्यों, क्या हुआ? अरे वो चुपके खुदकुशी करने चली थी। क्या? अरे बेटा वो तो टाइम पे सलमा बहन आ गई, उसने चुपके को बचा लिया, फरिश्ता बन के आई वो। सलमा खाला ने बचाया, और वो कैसे? अरे वो एहसन और फरहत का पैगाम लेके आई थी। कैसा पैगाम? एहसन ने तुझे शादी के लिए पसंद कर लिया है। सच अम्मी? हाँ
लेकिन एहसन के घर वालों ने तो हमारी चुपकी को पसंद किया था ना। अरे जब सलमा बहन ने उसे बताया ना कि चुपकी तोतली है, तो फरहत ने भी अपना फैसला बदल दिया और एहसन के फैसले के साथ आ गई। फिर आप अब किस बात पे परेशान है? अरे वो नीलम, अब उसने मुझे तंग कर दिया है। उसने सलमान से शादी के लिए इनकार कर दिया है। अम्मी, आप नीलम की बातों पर क्यों परेशान होती हैं? मैं समझाऊंगी ना उसे। बेटा समझाओ उसे, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया है कि वो शादी अपनी मर्जी से करेगी। अच्छा परेशान ना हो, मैं करती हूँ उससे बात। हाँ बेटा कोशिश तो करो, क्योंकि मैं सलमा बहन को जबान दे चुकी हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है ये लोग? अंदर होंगी कहीं। चले ठीक है, फिर मैं भी चेंज कर लेती हूँ। खाना खाया आपने? नहीं बेटा, किसी ने भी खाना नहीं खाया। और आपने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अम्मी आप तो खाना खा ले, आज खुशी का मौका है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। आपको भी। एहसन, कहीं सलमा ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि चुपकी तुतलाती है? खुदा को माने हम, तौबा करें, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? देखो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम उनके घर गए थे ना, तो वो बर्तन उठाने आई थी और उसने सलाम भी किया था हमें। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो तुतलाती है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, मुझे भी कोई तोतलापन नहीं लगा था उसके बोलने में। भाई अब जो भी है, मुझे तो मीना पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। चुपकी तोतली है या नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे बस मीना से ही करनी है। जो भी है, चुपकी है बहुत प्यारी। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है निगो ने। अम्मी सलमा खाना ने अभी तक बताया नहीं कि परवीन आंटी ने हमारा रिश्ता मंजूर कर लिया या नहीं। अब ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्योंकि मीना को आपने सादगी की वजह से मना कर दिया था और चुपकी को तोतलेपन की वजह से। ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, वो भी सोच रही होंगी कि ये लोग ठीक नहीं है, कभी एक को मना करते हैं तो कभी दूसरी को। बस करो तुम दोनों, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हो। अम्मी आप सलमा आंटी को फोन तो करें कि उनका जवाब क्या है। लो जी सलमा आंटी का फोन भी आ गया, करें बात। हाँ सलमा बोलो। मुबारक हो फरहत, परवीन कह रही आकर बात पक्की कर लो। अच्छा ठीक है, बस फिर मैं कल आ रही हूँ। और हाँ तुम परवीन से कहना कि मीना को घर पे ही रखे, उसकी छुट्टी करा दे भाई, उससे भी तो मिलना है मुझे। ठीक है, मैं अभी जाकर परवीन को बताती हूँ। खुदा हाफिज। लो बस बुला लिया है कल उन्होंने, अब रस्म के लिए तैयार है वो लोग। खुश हो जाओ तुम दोनों। मेरे बजाय मेरी बहन का घर बस जाए से ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। नीना मैं तुम्हारी खुशियों की कातिल नहीं बनना चाहती। आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली कि मैं कहां जा रही हूँ? परवीन तुमने इसे बताया नहीं मैं कौन हूँ इसकी? क्या बदतमीजी है नीलम, खाला से माफी मांगो। कि नीलम ने आपसे बदतमीजी की, वो भी खाला के सामने? वो तो उसे मारने लगी थी, मैंने ही बचा लिया।